हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका 4x4 अनबॉक्स में। तो आज हम रेडमी के स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो होगा रेडमी 9 पावर, जो इंडिया के अंदर आज लॉन्च हो चुका है। तो आज हम करें उसके अनबॉक्सिंग और दिखाई इसकी फर्स्ट इंप्रेशन। तो सीधे बढ़ते हैं इसके बॉक्स की तरफ। बॉक्स ओपन करते ही आपको बॉक्स के अंदर और एक जो बॉक्स देखने मिल जाएगा, जिसके अंदर सिम इजेक्टर टूल होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्री होगा, और ये इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री है और इसके अंदर और एक केस है, सॉफ्ट केस है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी में ये केस। इसके बाद आपको फ़ोन देखने मिलता है, जो होगा Redmi 9 पावर। तो इसका लुक बहुत अच्छा है बैक साइड से। तो हम सीधे बढ़ते हैं इसके बॉक्स के पीछे की तरफ। तो इसके अंदर आपको टाइप सी केबल देखने मिल जाएगा और 80 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ में। तो बढ़ते हैं हम सीधे फ़ोन की तरफ। तो फ़ोन के अंदर क्या है, फ़ोन की बैक साइड की बात करें तो इसके अंदर आपको बिग बड़े अक्षर से जो रेडमी का ब्रांडिंग देखने मिल जाएगा और पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल होगा। उसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिल जाएगा स्क्वायर कटआउट में। तो इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है बैक साइड में। तो इसकी पोल्स और बटन्स की बात कर लेते हैं तो इसके राइट साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगर इन पावर बटन देखने मिल जाएगा और वॉल्यूम बटन भी देखने मिल जाएगा वहीं पे राइट साइड में। तो इसकी हम बॉटम साइड की बात करते हैं तो बॉटम साइड में आपको चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाएगा, माइक देखने मिल जाएगी, स्पीकर देखने मिल जाता है। और इसके लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे देखने मिल जाएगा जो, और ऊपर की साइड में आपको IR ब्लास्टर और 3.5mm जैक और नॉइस कैंसलेशन माइक देखने मिल जाएगा। हम तो ओवरऑल इसकी जो पोर्ट और बटन वो सब सेम ही है जो साथ होते हैं। हम इसकी एंड्रॉयड सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। आउट ऑफ बॉक्स इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। अगर इसकी कस्टम UI की बात करते हैं, जैसे कि इसके अंदर अपडेट ही मिलता है, MIUI 12 जो अपडेट है वही मिलता है इसके अंदर। और इसके ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक भी इसके अंदर अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे गेमिंग के लिए। तो हम सीधे बढ़ते इसके प्रोसेसर की तरफ। तो प्रोसेसर के अंदर आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर देखने मिलेगा, जो होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662G का चिपसेट देखने मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। सीधे बढ़ते हैं इसके फ़ोन के कैमरे की तरफ। कैमरे के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिल जाएगा, जो होगा 48 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 MP का डेप कैमरा। तो कैमरे के मामले में फ़ोन अच्छा बोल सकते हैं। तो बढ़ते हैं सीधे फ़ोन के फ्रंट की तरफ। तो फ़ोन के फ्रंट में आपको 8 MP कैमरा देखने मिल जाएगा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आपको 5.3 इंच का IPS पैनल देखने मिल जाएगा। तो इसके डिस्प्ले में भी बहुत अच्छा फ़ोन है 60Hz का रिफ्रेश रेट के साथ में। तो बढ़ते हैं सीधे इसके बैटरी की तरफ। तो इस फ़ोन की 6000mAh का बैटरी है, तो बैटरी में भी फ़ोन बहुत अच्छा है। इसके प्राइस की बात करें तो इसके अंदर आपको इंडिया के अंदर ये प्राइस 11000 के अंदर आएगी ये फ़ोन की प्राइस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।